मॉर्निंग सर। रितु, मीट अनुभव, यहाँ से तुम्हारी टीम में काम करेगा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्या? सो मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर आपको तो पता है। एक मिनट अनुभव, तुम जरा जाके वहां बैठो, मैं भी आता हूं। कंटिन्यू। सर आपने देखा उसका एक हाथ है भी नहीं, वो एक हाथ से कोडिंग कैसे करेगा? रितु, मैंने इसे इसकी अचीवमेंट देख के हायर किया है, ये बहुत कैपेबल है। सर वो कैपेबल नहीं, डिसेबल है, मैं उसका काम नहीं कर सकती। यू आर नो वन टू डिसाइड एनीथिंग। अब जाओ और जाकर उसे कंपनी के बारे में ब्रीफ करो। ओके सर। मैम आप ये बटन प्रेस कर देंगे, मेरे को बॉटल भरना था। क्यों, तुम्हारी नौकर रूम है? नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं है, आपको पता है मेरे साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर हेल्प। देखो तुमने वैसे बहुत सरदर्दी कर रखी है, ऑफिस में आके तुम्हारी बैग उठाओ, तुम्हारी गिरी हुई फाइल्स उठाओ, तुम्हें कैब तक छोड़ कर आओ, इसी बात के तो पैसे लेते हैं हम। मैं जब से इस ऑफिस में आया हूँ इतना रूडली बिहेव करते हो मेरे से। एक तो तुमने वैसे जगह घेर रखी है, तुम एक हाथ से वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तुमसे रिस्पेक्टफुली बात करें। मैम मैं इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे शट अप, कुछ नहीं सुनना मुझे। स्टूपिड। रितु, तो ये पिछले दो दिन से हमारे ऑफिस में हो क्या रहा है? एक छोटा सा ग्लिच तुम लोगों से ठीक नहीं हो पा रहा। सर प्लीज गिव मी सम टाइम, वी आर वर्किंग ऑन इट सर। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अगर आज शाम तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। सर इफ यू डोंट माइंड मैं एक बार ट्राई करूं। अरे तो पिछले दो दिन से क्या कर रहे थे, इस कंपनी का डूबने का इंतजार? सर मैं तो मैम को बोल रहा था जब से कि मुझे ट्राई। सर ये क्या करेगा, इसका एक हाथ तो है नहीं, वैसे भी कुछ काम नहीं। शट अप रितु। अनुभव प्लीज। क्या मैं सिस्टम यूज कर सकता हूँ? सर वट, जिस काम को ये टीम पिछले दो दिन से नहीं कर पा रही तुमने सिर्फ आधे घंटे में कर दिया? एक्चुअली मेरी पिछली कंपनी में भी सेम प्रॉब्लम आई थी, तो मुझे पता था हाउ टू फिक्स इट। ब्रिलियंट अनुभव, जस्ट ब्रिलियंट। थैंक यू सर। एंड यू रितु, तुम 15 दिन से उसके साथ जो मिसबिहेव कर रही हो मुझे सब पता है, मैं सब कुछ टॉलरेट कर सकता हूँ, लेकिन किसी के साथ मिसबिहेव, तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से ना मैं तुम्हें फायर करता हूँ। सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं आज के बाद किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करूंगी सर, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। अरे तो ये तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सर प्लीज सर, आप मैम को जॉब से मत निकालिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जॉब जाए, और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि मैम को अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है अनुभव, अगर तुम कहते हो तो मैं इसे फायर नहीं करता, और हाँ आज से इस टीम को अनुभव लीड करेगा और तुम भी इसके अंडर काम करोगे, समझे? थैंक यू फॉर सेविंग माय जॉब। कोई बात नहीं मैम। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू पोजीशन। थैंक यू मैम।